हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन आंसर की स्टेज में हम चैप्टर 9 कर रहे थे, जिसका फर्स्ट पार्ट अपलोड किया जा चुका है। आज हम इसके बचे हुए क्वेश्चन करेंगे, जो इसके बचे हुए हैं सेकंड पार्ट में। ये आपका कोर्स जो है बीए है, और इसका सब्जेक्ट कोड है ESO 12, ठीक है। और इसका नाम क्या है, भारत में समाज सोसाइटी इन इंडिया। लास्ट 10 ईयर के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सब हम आपको कम्प्लीट करा रहे हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। इसके अलावा आप अगर किसी सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है BHDE 106, तो उसका कंप्लीट क्वेश्चन आंसर उसके अपलोड किए जा चुके हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कोर्स कोड अपना बताइए, ठीक है। कुछ बच्चों ने बोला है कि उन्होंने मांगे हैं, पर उन्होंने कोर्स कोड नहीं बताया है। आप लोग मुझे कोर्स कोड और उसका नाम बताइए, तभी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा पाऊंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बचे हुए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा गया है, क्या दक्षिण भारत के गांवों से बाहर विवाह करने का नियम पाया जाता है, ठीक है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि दक्षिण भारत के गांवों से बाहर विवाह करने का नियम पाया जाता है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि दक्षिण भारत के गांवों से बाहर विवाह करने की प्रथा नहीं है, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए, इस लाइन को, कि दक्षिण भारत के गांवों से बाहर विवाह करने की प्रथा नहीं है। पितृवंश परंपरा के सदस्य और विवाहजन संबंधी एक ही गांव में रहने वाले ऐसे नातेदार प्रायः एक दूसरे के सामाजिक कार्यकलापों में मिलजुल कर भाग लेते हैं, और विवाह संबंधों को भी गांव के अंदर ही स्थापित करने में विश्वास रखते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दक्षिण भारत में विवाह के अवसर पर दिए जाने वाले उपहारों के दो वर्गों का वर्णन कीजिए, ठीक है। दक्षिण भारत में जो विवाह के अवसर पर जो उपहार दिए जाते हैं, उनको आपको बताना है दो वर्गों में। तो उपहार देने और लेने की प्रक्रिया में नातेदारी संबंधों में अनेक श्रेणियों के पृथक्करण विलयकरण संबंधी सिद्धांत दिखाई पड़ते हैं। कुछ व्यक्तियों द्वारा अन्य समूह को दिए जाने वाले उपहार और प्रति उपहार दो वर्गों में विभक्त किए गए हैं। दो वर्ग क्या क्या है, पहला प्रथम वर्ग। पहले वर्ग में बताया गया है आपको, कन्या के परिवार द्वारा वर के परिवार को दिए जाने वाले उपहार, अथवा वर के परिवार द्वारा कन्या के परिवार को दिए जाने वाले उपहार विवाहजन्य संबंधियों के मध्य आदान प्रदान की श्रृंखला के रूप में होते हैं। यहाँ वर के पिता की ओर से वधू के पिता को जो उपहार दिए जाते हैं वह परिश्रम कहलाते हैं, ठीक है। ये उपहार क्या कहलाते हैं, ये परिश्रम कहलाते हैं। कौन से उपहार, जो वर के पिता की ओर से वधू के पिता को दिए जाते हैं, ठीक है। वर के पिता की ओर से जो वधू के पिता को उपहार दिए जाते हैं वो परिश्रम कहलाते हैं। और उपहारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया कम से कम 3 वर्ष चलती है, ठीक है। ये जो उपहारों का एक्सचेंज होता है, जो आदान प्रदान होता है, इनकी प्रक्रिया कब तक चलती है, यहाँ पर इनकी प्रक्रिया 3 वर्षों तक चलती है। विवाह के समय उपहार दिया जाता है, उसके पश्चात नवविवाहितों के द्वारा घर बसाने पर वधू के माता पिता द्वारा उपहार दिया जाता है, उसके पश्चात बच्चे के जन्म पर उपहार दिए जाते हैं। इसी प्रक्रिया के मध्य हमें उपहारों की एक श्रृंखला के दर्शन होते हैं। इस प्रथा के अंतर्गत उपहार लिए जाते हैं और दुगना करके वापस किए जाते हैं, ठीक है। ये लाइन आप याद रखिए, को उपहार लिए जाते हैं और उन्हें डबल करके दुगना करके लौटाया जाता है, ठीक है। और उपहार श्रृंखला आरंभ वर पक्ष की ओर से शुरू होती है। ये उपहार श्रृंखला शुरू कहाँ से होती है, वर पक्ष से शुरू होती है, ठीक है।
और कन्या पद से उपहारों पर समाप्त होती है। सेकंड पॉइंट इसमें है द्वितीय वर्ग। दूसरे वर्ग में क्या होता है? उपहारों के लेन देन की प्रक्रिया के दूसरे वर्ग में लेन देन दोनों समूह में अलग अलग अपने क्षेत्र में आपस में होता है। इन्हें उपहारों का आंतरिक आदान प्रदान कहा जाता है। कभी कभी यह स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है कि एक ही समय उपहार लिया हुआ दिया जा सकता है। इस वर्ग में विवाह के अवसर पर वर व वधू के घर एक संग्रह किया जाता है। इसका रूप नगदी होता है। इसे गैर ब्राह्मणों में मोई कहा जाता है। ठीक है, इस नगदी क्या कहा जाता है, इस लेन देन की प्रक्रिया को गैर ब्राह्मणों में इसे मोई कहा जाता है और ब्राह्मणों में इसे मोई लिखना कहा जाता है। ठीक है, गैर ब्राह्मणों में इसे मोई कहते हैं और ब्राह्मणों में इसे क्या कहते हैं, ब्राह्मणों के अंदर इसे मोई लिखना कहा जाता है। इस नगदी को लिखित रूप से दर्ज किया जाता है। इस प्रकार उपहार देने में भी परस्पर आदान प्रदान का सिद्धांत रहता है। आंतरिक उपहारों के चक्र में मामा की भूमिका मुख्य होती है। ठीक है, जो आंतरिक उपहार दिए जाते हैं इसमें से मुख्य भूमिका किसकी होती है, इसमें मुख्य भूमिका मामा की होती है। अंशदान। अंशदान की शुरुआत सर्वप्रथम मामा के द्वारा की जाती है। मामा की ओर से दिए जाने वाले उपहारों का खास महत्व होता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है, इसमें पूछा गया है आपसे, क्या दक्षिण भारत में विवाह में दिए जाने वाले उपहार एक द्विपक्षीय होते हैं? आपको इसे बताना है कि ये उपहार जो दक्षिण भारत में दिए जाते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो दक्षिण भारत में विवाह के अवसर पर दिए जाने वाले उपहार सामान्यतः एक पक्षीय नहीं होते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में जो उपहार दिए जाते हैं वो एक पक्षीय नहीं होते हैं। तो जब एक पक्षीय नहीं होते इसका मतलब ये द्विपक्षीय होते हैं। यहाँ उपहारों के आदान प्रदान में नातेदारी के व्यवहार के संदर्भ में परस्पर आदान प्रदान का तत्व प्रधान है। फिर भी कन्या पक्ष के लोगों को वर पक्ष से अधिक भार उठाना पड़ता है। ठीक है, उपहार यहाँ दोनों तरफ से लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी जो कन्या पक्ष है उसे उसके ऊपर ज्यादा भार होता है। ठीक है, उन्हें प्राप्त उपहारों की अपेक्षा अधिक उपहार देने पड़ते हैं। ठीक है, जो कन्या पक्ष को उपहार मिले हैं वो उन्हें डबल करके या ज्यादा करके देना पड़ता है। दक्षिण भारत में उपहारों का घनिष्ठ संबंधियों में आदान प्रदान किया जाता है। उपहार दोनों पक्षों की ओर से लिए व दिए जाते हैं, लेकिन उपहारों की मात्रा में अंतर अवश्य ही पाया जाता है। ठीक है, उपहार तो दोनों तरफ से लिए दिए जाते हैं, लेकिन इनके अंदर अंतर पाया जाता है। इसलिए दक्षिण भारतीय उपहारों के लेन देन की प्रक्रिया में सकारात्मकता रूप विद्यमान होता है। ठीक है, दक्षिण भारत में जो उपहार दिए जाते हैं उसमें क्या होता है, सकारात्मकता विद्यमान होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो यहाँ पे आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं जो आपको भरने हैं। लक्षद्वीप के मातृवंश परंपरा वाले मुस्लिम समुदाय में केरल से आए हुए डैश के वंशज हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, इन्हें क्या कहते हैं, अप्रवासी हिंदू इन्हें कहा जाता है। आप इसमें भरेंगे अप्रवासी हिंदू। ठीक है, दूसरे में लक्षद्वीप में मातृवंश परंपरा की सामान्य इकाई डैश है। तो क्या है सामान्य इकाई इनकी, तरवाण। ठीक है, तरवाण इनकी सामान्य इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्या लक्षद्वीप में तरवाण के महिला पुरुष आपस में विवाह कर सकते हैं? ठीक है,
आपको ये बताना है कि तरवाण की जो महिला पुरुष है आपस में विवाह कर सकते हैं कि नहीं। तो दक्षिण भारत में तरवाण को बहिर्विवाह इकाई माना जाता है, इसलिए तरवाण के किसी भी सदस्य को उसी तरवाण के अन्य सदस्य के साथ विवाह करने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, ये आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं, सिंपल सा समझ लीजिए। ठीक है, अन्य यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन में दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन है जिसको इसमें कंपेयर किया गया है उत्तर भारत और दक्षिण भारत को। ठीक है, कंपेयर करने का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया गया है उत्तर भारतीय नातेदारी व्यवस्था और दक्षिण भारत नातेदारी व्यवस्था, यहाँ आपको आपको दोनों की तुलना करनी है, कंपेयर करना है। चलिए देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, उत्तर भारत की नातेदारी व्यवस्था में विवाह के नकारात्मक नियमों की प्रधानता होती है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो उत्तर भारत है इसमें विवाह के नियमों में निगेटिविटी होती है, नकारात्मकता का मतलब होता है निगेटिविटी। ठीक है, जबकि दक्षिण भारत में सकारात्मकता होती है। ठीक है, दो पॉइंट आप याद रखेंगे कि जो उत्तर भारत की बात करेंगे तो यहाँ विवाह के नियमों में नकारात्मकता पाई जाती है और दक्षिण भारत में विवाह के नियमों में सकारात्मकता पाई जाती है। ठीक है, दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्था में विवाह सकारात्मक नियमों की प्रधानता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर भारत में विवाह संबंध एक परिवार से नए परिवार में जुड़ता है। ठीक है, उत्तर भारत में विवाह संबंध है वो एक परिवार से नए परिवार में जुड़ता है, जबकि दक्षिण भारत में विवाह संबंध एक छोटी सी नातेदार समूह के बीच जुड़ता है। ठीक है, या एक छोटी सी नातेदार समूह के बीच जुड़ता है। थर्ड पॉइंट में, उत्तर भारत में नातेदारी शब्दावली के रक्त से संबंधित तथा विवाह से संबंधित नातेदारी के पृथककरण पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, जबकि दक्षिण भारत में नातेदारी शब्दावली में विवाह जन्य संबंधियों के बीच संबंध की समस्थिति पर जोर दिया गया है। ठीक है, ये कुछ डिफरेंस है उसमें। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, उत्तर भारत में विवाह संबंध अपरिचित परिवार समूह के बीच होता है। ठीक है, उत्तर भारत में क्या होता है, विवाह संबंध होते हैं तो अपरिचित परिवारों के बीच होते हैं, जबकि दक्षिण भारत में विवाह संबंध घनिष्ठों के बीच होते हैं। ठीक है, घनिष्ठ जो लोग पहले से एक दूसरे को जानते रहते हैं उनके बीच होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर भारत में लड़की वाले निम्न प्रस्थिति वाले होते हैं। उत्तर भारत में लड़की वालों को छोटा मानते हैं, निम्न माना जाता है, जबकि दक्षिण भारत में लड़की वाले व लड़की वाले समान होते हैं। ठीक है, और दक्षिण भारत में लड़की वाले और लड़के वाले दोनों ही समान होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, महिलाओं की दृष्टि से विवाह के द्वारा उत्तर भारत में उनके लिए नई परिस्थितियां उत्पन्न करने वाली घटना होती है। ठीक है, तो दक्षिण उत्तर भारत में क्या है कि महिलाओं की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उनके लिए एक नई स्थिति उत्पन्न होती है, नई घटना है उनके लिए, जबकि दक्षिण भारत में विवाह कम परिवर्तन लाने वाली घटना है। ठीक है, दक्षिण भारत में इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि विवाह घनिष्ठों के बीच होता है, और जबकि दक्षिण भारत में एक नई परिस्थिति लाने वाली ये घटना है। ये कुछ इनके कंपेयर थे जो आपको, आप समझ लीजिए कि इनको आपको कंपेयर करने का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ यहाँ समस्याएं आपको बताई गई हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में जाति और नातेदारी जटिल रूप से जुड़ी हुई है, यहाँ तक कि पदानुक्रम और सामाजिक संस्करण की अखिल भारतीय व्यवस्था में नातेदारी व्यवस्था भी निहित होती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको कुछ पॉइंट नेगेटिव पॉइंट भी दिए गए हैं जिनको भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, छुआछूत। ठीक है, इस शब्द से भी आप भलीभांति परिचित होंगे। छुआछूत के विचार रक्त की शुद्धता को बनाए रखने के रूप में नातेदारी व्यवस्थाओं को प्रभावित करते रहे हैं। यह बात उत्तर भारत और दक्षिण भारत में समान रूप से लागू होती है। ठीक है, ये जो छुआछूत वाली बात है, ये दोनों ही, चाहे आप दक्षिण भारत की बात कर लें चाहे उत्तर भारत की बात कर लें, ये एक कॉमन बात है दोनों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
दोनों नातेदारी व्यवस्थाओं में एकल वंश परंपरा क्रम को मान्यता दी जाती है। ठीक है, एकल वंश को परंपरा को, एकल वंश परंपरा को मान्यता दोनों में दी जाती है। उत्तर और दक्षिण भारत दोनों में या तो मातृवंशीय परंपरा का प्रचलन हो अथवा पितृवंशीय समाज का हो। ठीक है, इन दोनों में एकल को माना जाता है, चाहे मातृवंश का परंपराओं को, आप हमने इससे पहले क्वेश्चन किया तो उसमें दिया गया था मातृवंश और पितृवंश को, ये एक ही चीज को यहाँ माना जाता है, या तो मातृवंश को या फिर पितृवंश को। ठीक है, नेक्स्ट है, लड़की वालों व लड़के वालों में उत्तर दक्षिण दोनों में देखा जा सकता है निस्संदेह विभाजन संबंधों पर बल कम बल को कम या अधिक होना दो व्यवस्थाओं के बीच मुख्य अंतर को स्पष्ट करता है। इन दोनों चीजों को आपने यहाँ कंपेयर करके देखा है कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत में क्या क्या डिफरेंस है, किंतु मुदों के अनुसार, लेकिन जो मुदों ने क्या बताया है, मुदों के अनुसार उत्तर और दक्षिण भारत में लड़की वाले, लड़की वालों और लड़के वालों के मध्य भेद की मान्यता नातेदारी व्यवस्था में मूलभूत समानता प्रदर्शित करती है। ये कुछ मुद्दों का कहना था, उनके अपने विचार थे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ आपका 9th चैप्टर खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम 10th चैप्टर इसका करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, और हाँ, आपके एग्जाम से पहले आपका ये मैं आपको कम्प्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए आपके, और आप अपनी डेट शीट डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके इग्नू की वेबसाइट पे आपको डेट शीट मिल जाएगी। डेट शीट अपलोड की जा चुकी है, आपके अभी हॉल टिकट नहीं आए हैं, पर डेट शीट से आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा एग्जाम कब है। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।